अपनी पहली बार मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है। प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट वॉन्डी बॉर्ड, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकट्टी अरेबिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, NH 57 से पूरब। अररिया में होली को लेकर शांति समिति की बैठक नगर थाना अररिया में आयोजित किया गया। अररिया जामा मस्जिद के इमाम आफ्ताब आलम, सद्भावना मंच के सचिव मोहम्मद मोहसिन, वार्ड पार्षद संजय अकेला, सफी भूषण झा, बाला कृष्ण झा, कमाली हक, राजा मिश्रा आदि मौजूद थे। आदरणीय एडीएम साहब, एसडीओ मैडम, हमारे पीजीआरएस साहब, विमल बाबू, राणा साहब, झाजी और जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, मुखिया जी लोग, हमारे भावना समिति के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे हैं और जो लोग हैं मीडिया के कर्मी हैं, सबका इस होली और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबका स्वागत उपासना करते हैं। होली के लिए आगामी आपको बधाई भी देते हैं। देखिए, हम लोगों का जो प्रशासनिक तंत्र है ना, हम लोगों की जो दूरी है आपसे, वो किसी तरह से कम होनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है। आपकी शिकायत हमको मिलती है तो हमको उससे बल मिलता है, हमको बुरा नहीं लगता। आप कोई बात कह देते हैं एडवांस में, तो उसका प्लान करते हैं, लेकिन हम लोगों का कुछ लिमिटेशन है, बल का कमी रहता है या संसाधन की कमी रहती है, लेकिन फिर भी आपका विचार आते रहना चाहिए। संवादहीनता नहीं है, हम कम से कम सुनते तो हैं, हम कर नहीं पाते हैं दूसरी बात है। आप भी घर में बोलते होंगे अपने पुत्र को, अपनी वाइफ को, बहुत सारी चीज़ बोलते होंगे, उसमें से 10 काम होता होगा, 10 दिन उसको तो गला तो नहीं काट देते। जिस तरह से हम लोग हैं, तो हम लोग आप ही के बीच से आते हैं, कोई हमारा ऐसा अस्तित्व नहीं है कि पब्लिक के बिना पर हम हैं। हम लोग बराबर कहते हैं कि दो शब्द का प्रयोग इस देश में बहुत ज़्यादा होता है, लॉ एंड ऑर्डर। देखिएगा, प्रेस के लोग बोलेंगे, नेता लोग बोलेंगे, अधिकारी लोग बोलेंगे, लेकिन हम बहुत बड़े बड़े अफसर से पूछ लेते हैं कि लॉ के बारे में तो सब लोग जानता है कि ये। हम बहुत फख्र के साथ और बहुत आशा के साथ कह सकते हैं कि आप में से कोई आदमी इस विषय पर 2 शब्द बता दे कि ऑर्डर क्या है। हम लोग यूज तो खूब करते हैं इन सब चीज़ों को, ये समझने की चीज़ है और इसी में मूल हम लोगों के देश का शांति और संपन्नता इसी में छुपा हुआ है। ऑर्डर में, ऑर्डर क्या है? कोई भी व्यवस्थित चीज़ें हैं वो ऑर्डर है, और अव्यवस्थित हो गई तो डिसऑर्डर। चाहे आपका घर हो, आपका शरीर हो, आपका ऑफिस हो, सड़क हो, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर क्या है, इधर जनता लोग बैठेंगे, मीडिया के लोग बैठेंगे, जनप्रतिनिधि बैठेंगे, यहाँ टेबल है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, पदाधिकारी जो प्रशासन के लोग हैं, इसको हम उलट दें, इस कुर्सी को टेबल पर रख दें, आपका मुंह उधर कर दें, ये डिसऑर्डर है। शर्ट हम ऊपर पहने हैं, पैंट नीचे पहने हैं, जूता है, जूता खोल के मुंह पर रख लें, शर्ट को खोल के कमर में बांध लें, ये डिसऑर्डर है। सड़क पर जब हम चलते हैं, नियम बना हुआ, हमको बाएं कटना है, बाएं रुकना है, सड़क को मेन छोड़ के साइड रुकना है, हेलमेट लगा के चलना है, जूता पहनना है, गाड़ी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखना है। इसी तरह से कहीं भी जाते हैं, बाजार में कहीं पार्क करना है तो ऐसा जगह पर करना है कि दूसरे को असुविधा नहीं हो। इन सब चीज़ों को हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। घर में भी अपने हैं, समाज में अपने हैं, घर बना रहे हैं तो जो हमारे यहाँ नियम है कि 3 फीट छोड़ के बनाना है, हम भी 3 फीट छोड़ेंगे, 3 फीट अगला भी छोड़ेगा, मैंने 6 फीट का गलियारा मिनिमम रहना चाहिए, कोई पालन नहीं करता। हमको कोई वृक्ष लगाना है तो हम बाउंड्री से थोड़ा इस ढंग से लगाएं कि उधर कोई असुविधा नहीं हो, हम नहीं पालन करते। हमको मलमूत्र त्यागना है, गंदा फेंकना है, सीधे ले आए डिब्बा, अपना सड़क पर फेंक के चलिए, डिसऑर्डर, यही सब डिसऑर्डर है। इसी सब चीज़ के लिए सरकार समय समय पर सड़क पर चलने का कानून, सफाई का कानून, प्रदूषण का कानून सब बनाता है, कोई नहीं मानता है। मानता इसलिए नहीं है कि मानने का मन सबका है, बहुत से लोगों को उसका जानकारी नहीं है, बहुत से लोगों को उसका प्रशिक्षण नहीं है। तो होली से मुतल्लिक हम लोग की ये सभा है, उसमें ऑर्डर क्या है, जो आपके परिचित हैं, जिनसे आपका हंसी मजाक चलता है, उसी से रंग अबीर खेलिए। आप दूसरे से जब रंग अबीर खेलते हैं जो आपके हंसी खुशी में शामिल नहीं है, वो किसी दूसरी समस्या में है। हम हिंदू ही हैं, होली के दिन हमारे घर का कोई बीमार है, हम अस्पताल झोला झक्कड़ दवाई लेके जा रहे हैं टिफिन में, हम ही को पूछिएगा तो हम उसमें लड़ाई नहीं करने लगे। अब दूसरे जाति बिरादरी का छोड़ दीजिए, हम हिंदू ही हैं, हम अपनी समस्या में भी डूबे हुए हैं, साइकिल पर, रिक्शा पर कोई सामान लेके जा रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो शांति समिति में आते हैं, हमारे प्रशासन का एक हिस्सा बनते हैं, और हिस्सा और एक तरह से जनप्रतिनिधि जो है हमारे प्रतिनिधि हो जाते हैं। तो आप जहाँ भी हैं, 2-3 चीज़ों पर अमल करिए। पहले भी बोले
यबजा खेलते समय दो लड़का निकला लुकारी लेके खूब घूम रहा है, दो आदमी उसको खूब हंस भी रहे हैं, खुश जो रहे हैं। अरे ये तो शहर पूरा और इलाका बारूद पर है, एक घर में लुकारी गई तो मतलब 150 घर चला जाएगी। कितना फायर ब्रिगेड दौड़ेगा, कितना बड़ा बाबू डीएसपी साहब कहाँ कहाँ फोन करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप उसे लुकारी खेलने वालों को जरा रोकिए। रंग अबीर जो हैं, कोई वैसा जो आदमी है जो अपने दर्द में है उससे नहीं खेलिए, या जिसको लाइक नहीं है उससे मत खेलिए। अश्लील गाना का है तो अश्लील गाना का भी हम सब जानते हैं कि अपने घर परिवार में वही आदमी सील रहता है और जब दूसरे जगह देखता है तो अश्लील हो जाता है। तो आप सील और अश्लील में बहुत सब फर्क है। लोग जहाँ पर विरोध नहीं होता है तो वहाँ अश्लील हो जाते हैं, और जहाँ विरोध होता है तो वहाँ बिल्कुल नियम कायदे कानून हामिल हो जाते हैं। हम तो बहुत बार देखे हैं कि एकदम पियक्कड़ आ रहा है शाम से, वर्दी में नहीं भी हम पहचान लिया कि यही बड़ा बाबू है, यही डीएसपी साहब, एकदम सीधा, एकदम सर ठीक है, एकदम बढ़िया से है, बहुत अच्छा है सर। और वही है जो लड़का जा रहा है, कोई औरत उधर से आ रही है, पूरा दिए जा रहा है, सही लगा अश्लील में कोई खास फर्क नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, गुजारिश है कि हंसी खुशी का त्यौहार है जिसे मनाते हैं एकदम नॉर्मल रहिए। कहे ना कि ऑर्डर क्या है, आपको इधर जाना है चले जा रहे हैं, खत्म। डिसऑर्डर क्या है कि यहाँ पर गेहूँ का फसल है। और अररिया जिला के सम्मानित नागरिकगण, पदाधिकारीगण, आज होली के अवसर पर हम लोग यहाँ शांति समिति में बैठे हैं और इस उद्देश्य के साथ बैठे हैं कि हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा देश शांतिपूर्वक पर्व को मनाए और हम लोग सुख शांति से रहें। इसके साथ ही आपको आमंत्रित कर रहे हैं बिहार दिवस 22 मार्च को महाविद्यालय से 8 बजे सुबह साइकिल मार्च होगा, जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान के तहत होगा, और टाउन हॉल परिसर में ही सुबह 10 बजे से मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और संध्या 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, और जो उद्देश्य है इस बैठक का डीएसपी साहब स्टेडियम सब बता चुके हैं। आशा करते हैं कि सभी का आने वाला पर्व मंगलमय हो, शुभकामना के साथ। पहला होली है हमारा, उम्मीद यही करती हूँ कि जिस तरह अररिया सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतिबिंब रहा है उस अनुसार से हम लोग मनावे। आदर्श आचार संहिता लागू है, उसका भी ख्याल रखना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव है, उसका भी ध्यान रखते हुए सबको मिलजुल करके मर्यादापूर्ण होली मनाते हुए हम इसको संपन्न करेंगे। होली का पर्व है, बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि अररिया अपने आप में एक मिसाल है, आसपास का ही रहने वाला हूँ, अपनी से मैं जानता हूँ जिले को। हमने जो सौहार्द यहाँ देखा है वो अपने आप में एक निशान है। अब यहाँ आए, हमने पूर्व में भी बड़ा सहयोग दिया है और आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा है। यहाँ आने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ। अररिया के सामाजिक कार्यकर्ता और कल्पी संबंधित जन लोग कार्य महोदय, ये पिछले बार वाला ही संयोग है कि पिछले बार भी हम लोग लोकसभा और होली एक साथ मनाए, और इस बार भी लोकसभा भी है और होली भी है। पिछले बार भी हम लोग बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से होली और लोकसभा भी संपन्न किए, उसमें आपका भी सहयोग बहुत बहुत अच्छा रहा। हम लोग आशा करते हैं कि इस बार भी हम लोग होली त्यौहार और लोकसभा के चुनाव भी दोनों जो साथ साथ चल रहे हैं वो भी मनाएंगे अच्छे से। अररिया का मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से हूँ, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है और सब लोग मिलजुल के मनाते हैं, और हम लोग आशा करेंगे कि सभी लोग, जैसे हमारे मुखिया जी लोग भी आए हैं शहर से और गांव से जुड़े हुए बहुत से हमारे पंचायत है, जैसे रामपुर कोदरकट्टी हुआ, पैटोला हुआ, गयारी हुआ, अरिया हुआ, हम लोग भी अपने स्तर से मुखिया जी लोग के संपर्क में रहते हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले
पुलिस प्रशासन को दिया जाए, हमारे जो वरीय पदाधिकारी उन्हें दिया जाए, हम लोग को भी उसकी सूचना आती है, आपके द्वारा भी डायरेक्ट बहुत बार सूचना आती है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम लोग समाधान करते हैं। और विशेष बात DSP साहब ने बताया कि होली थोड़ा सा अलग त्यौहार है और वो पुलिस प्रशासन का काम है, जहाँ उड़दंगई होता है, जहाँ कुछ तरह इस तरह का प्रॉब्लम होता है, प्रशासन हमारा सक्षम है, हम लोग उस पर पूरा नियंत्रण करेंगे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई हो। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और आपसे आशा करूंगा कि आप लोग भी प्रशासन के साथ बहुत अच्छे से सहयोग कर ये आने वाली होली को संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मी एवं जनप्रतिनिधि व्यक्ति देखे तो नहीं लेकिन सुने हैं कि होली जैसे पर्व जिसमें कि हमेशा उड़दंगबाजियों द्वारा किए गए बर्ताव के कारण एक समस्या खड़ी होने की संभावना बनी रहती है, उसके बावजूद यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभिन्न समुदायों के बीच मेलजोल करके जो होली पर्व संपन्न किया जाता रहा है, उसका 100% क्रेडिट यहाँ की जनता और माननीय जो भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं उनको जाता है। और इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और रही जो आपकी अपेक्षा जो पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन, उसको भी हम दोनों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोऑर्डिनेशन करके आप लोग भी अपेक्षा कर सकते हैं कि हम पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। कि उसमें कम से कम नियंत्रण हो के उस दिन एक बाइक पर डबल जाए, ट्रिपल लोडिंग, फोर डबल लोडिंग, चार चार लोग सवार हो जाते हैं। इसके लिए यदि मतलब आजकल जो है डिसिप्लिन का जो है स्तर इतना ऊंचा हो गया है, यदि हम डायरेक्ट यदि उसको यदि नियंत्रण करने के लिए चाहेंगे तो स्वतः अपमानित होने का शंका रहता है। तो आप लोगों का सहारा उसमें मैंने रहे जरूर, हम लोग भी उसमें चाहेंगे कि कम से कम उसमें बंदिश करें, नजर रखें, चौक चौराहा पर यत्र तत्र हम लोग भी जाए, उस पर जो है ध्यान दें। ऐसी स्थिति में सर कम से कम ट्रिपल लोडिंग, फोर्थ लोडिंग सर उस दिन बंद कराया जाए। और इसका जो है समझिए रूट आपको काली मंदिर से महादेव चौक आश्रम होता हुआ, आपको जो चांदनी चौक से बस स्टैंड, फिर मैंने काली मंदिर से समझिए मैंने द्रुत गति से जो है वाहन जो है वो चलाते हैं। तो इस पर सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी जो है हमारा यहाँ अररिया नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलजुल कर जो है हम लोग होली या विभिन्न तरह का पर्व जो है मनाते आए हैं और किसी तरह का कोई शंका नहीं। बड़ा जी खूब अजन्या हो गया सर, चौक चौराहा उस जगह यदि पुलिस हाँ होलिका दहन के समय में भी और होली के मुख्य चौक चौराहा सर जैसे अड़िया घोड़ी चौक से लेके आपको स्टेशन में हमने कहा था यहीं पर पीस कमेटी की बैठक में इसी एरिया के बारे में आप कंट्रोल कीजिए और बस स्टैंड को आपने नहीं किया और मामला हुआ क्या क्या ईद में हो गया वहाँ बकरीद में क्या क्या बकरीद में हो गया। मैंने यही कहा था ये एरिया सेंसेटिव है इसको देखिए तो बताए आपको ओवरब्रिज के ऊपर बस स्टैंड खास करके अब 12 बजे लोग जो है सो दारू पी के घूमता है, 3 आदमी 4 आदमी कोई देखने वाला नहीं है। और ये एरिया जो है सेंसेटिव वो गुड्डू का दुकान है, जनरल स्टोर, वहाँ से SP साहब के तरफ कोसी कॉलोनी रास्ता जाती है ना, वो एरिया बहुत खराब एरिया है, 3-3 लड़के चलते रहते हैं उस एरिया में और जान के चूंकि निफाह पड़ता है लड़की लोग के जो पीछे करता है, चाहे किसी भी शाम 4-12 बजे 1 बजे 2 बजे के बाद लड़की लोग भी सब परिवार निकल के जाती है लोगों के यहाँ तंग करता है, इसीलिए ये सब एरिया को देखिए। अगले बार भी हमने कहा था इससे पहले भी लेकिन वहाँ गुड्डू के दुकान में कोई फोर्स नहीं देता है लोग, हाँ अड्डाबाजी वही रहता है। नहीं गया था। आप दिखा दिए तो नहीं गया, आप भी चेक किए थे नहीं गया था, नहीं गया, आप चेक किए थे।
अध्यक्ष जी आप अध्यक्ष हैं, आपके बारे में क्यों बोलना है? आप तो एक अध्यक्ष फादर आप कौन पढ़ो? हम ये बताना चाह रहा हूँ कि जेएसपी साहब आप बहुत महीन आदमी और परिपक्व गार्जियन हम लोग मानते हैं आपको, जिला में किसी को नहीं मानता हूँ। आपके तो देवे हमारे यहाँ कभी भी अररिया में नगर थाना के रेंज में कभी भी हिंदू मुसलमान में होली में किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं हुआ है। 35 साल के अनुभव में बता रहा हूँ। जब हम लोग जोकी में थे तभी का गार्जियन तस्मुद्दीन बहुत टाइट थे और अभी भी आप लोग के सौजन्य से हमारे यहाँ आज तक, लेकिन हमारे बड़े बाबा आपके सौजन्य हिजो साहब हमारे समूह बाबू से हम आज तक नहीं बात की, लेकिन है सारा कागजात उसे निकाल के मैं दे रहा था। बार आपका आपके टाइम में मिलने से भेज नहीं किया। डीएम साहब करते हैं जो जो पॉइंट है, दोनों मुखिया मेरे बैठे हुए हैं, रामपुर वार्ड नंबर 13 है, ये हमारा मुखिया वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि इसकी वाइफ है और इनकी माँ मुखिया है, हमारी बहन भी लगेगी। एक लाइन में कह दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाकई में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है भरपूर मात्रा में बनता है। भरपूर बोल रहे हैं मुखिया, प्रेजेंट पे टोला जाती है तो वो लोग जो है ना, लेकिन हम लोग के बाद पुनः मुखिया बोलने पर उतर जाते हैं। बोलना तुम, हम आपसे आग्रह करेंगे, आप यहाँ बोलाए ना, अपना चल जला का त्यौहार को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें हमारे जिला के बड़े अधिकारी इस कमेटी के जो मेंबर थे सभी उपस्थित हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार का होली हम लोग कैसे सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं, इस पर काफ़ी बढ़िया चर्चा हुई। उन लोगों की तरफ से कुछ सजेशन भी आया है, जिस पर हम लोग वर्कआउट करके इस बार की होली और आम लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने का पूरा प्रयास करें। अगर आप अपने घर आंगन किचन बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या आप बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आपकी शहर में पहली बार हैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉगिंग टाइल, प्रकाश बाउंड्री वॉल और चेकाल टाइल, बदलते जमाने को देती हुई आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजान सीमेंट आर्टिकल, टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरवेस्ट रोड डोरिया सोनापुर अरिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटबी चौक अररिया, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हां दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर, इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।